डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नर तेरे राज में गवर्नर तेरे राज में गवर्नर तेरे राज में सभी डीले हैं सभी डीले हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अगर इनको खींचेगी डॉक्टरों को भी खींचेगी तो वो जल्दी से काम करेंगे। वो भी डीले बैठे रहते हैं। देखिए यहाँ 2 घंटे यहाँ पे खराब किए मरीज के, 1.5 घंटा वहाँ किया, तो जब उसकी पल्स ही 60 पे चल रही थी तो वो बचेगा कहाँ से, उसको हार्ट अटैक तो आएगा ही। बाद में कहने लगे जी हार्ट अटैक आ गया जी। तो ये बाहर के बहाने हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया। जब किसी की पल्स रुकेगी तो हार्ट अटैक ही तो होगा, वो मृत्यु को प्राप्त ही होगा। तो ये चीज़ें इन्होंने देखनी चाहिए और सोचना चाहिए। जब इनके परिवार का कोई होगा तो वीआईपी कल्चर के तहत उनको रखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जज जो वहाँ के हाई कोर्ट है दिल्ली की, उन्होंने 100 बेड वहाँ की सरकार ने वहाँ जजों के लिए दे और उन्होंने उनको दरकिनार कर दिया है और लास्ट में उनको ये फैसला वापस लेना पड़ा दिल्ली सरकार को। तो देखिए इसी प्रकार से सभी के साथ होना चाहिए, सभी बराबर के। वहाँ जजों ने कहा है कि हमें भी हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए ना कि 5-स्टार होटलों में। तो वीआईपी कल्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जो जज कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है अपने लिए भी। और गवर्नर साहब को चाहिए था कि वह कम से कम दौरा तो करते, वो 10 बार यहाँ पर आए हैं तो कम से कम अंदर दौरा तो करें, लोगों से मिलें तो सही, देखें तो सही व्यवस्था यहाँ की क्या व्यवस्था है। लेकिन वो आते हैं सीधे जाते हैं और निकल के वापस चले जाते हैं और प्रोटोकॉल के नाम पर पूरे यहाँ से पूरा एरिया जो है वो सीज कर दिया जाता है या रेडी फड़ी वालों की दुकानें बंद हो जाती हैं, ऑटो वालों के स्टैंड बंद कर दिए जाते हैं। तो लोगों की रोजी रोटी में आगे महामारी में काम नहीं चल रहे हैं तो इनके साथ अन्याय ना किया जाए प्रोटोकॉल के नाम पर। तो गवर्नर साहब को चाहिए कि अगर वो जैसे अपनी बेटी को देखने आते हैं तो बाकियों को भी अपनी बेटी है बच्चे समझे और जो यहाँ के नागरिक उनके बच्चों के बराबर हैं तो उनको भी देखें, उनको भी अपने बच्चों के समान उनको ट्रीट करें और उनकी देख रेख करें। यहाँ मार्केट में इस समय क्या लगता है आपको, बढ़ते केसेस में लॉकडाउन लगा देना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से बढ़ते उसको देख के मार्केट में लॉकडाउन लगना चाहिए क्योंकि ये परिस्थितियाँ बदतर से बदतर होती जा रही हैं। जिस प्रकार से ये केस बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए इन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो चुका है क्योंकि लोग समझने वाले नहीं हैं। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है SOP का पालन करें, लेकिन लोग जो है वो SOP का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए काफ़ी लोग अब मास्क पहनने लगे लेकिन फिर भी कई चीज़ों का वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए जो 15 दिन का कम से कम लॉकडाउन है वो जम्मू में बहुत जरूरी हो चुका है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगना चाहिए।